आज मेरी बिटिया रानी का बर्थडे है। ये वैसे तो वेलफेयर के ही उसमें जाता रहता हूँ, लेकिन वर्किंग डे होने की वजह से इनके साथ आया हुआ हूँ। बिटिया रानी के साथ ही सभी बच्चों को जो जिनके जन्मदिन मनाए जाते हैं, इन सभी बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ पंक्तियाँ इन बच्चों के लिए इधर, कुछ पंक्तियाँ इन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। ये आया हूँ एक सेलिब्रेट करने, लेकिन सेलिब्रेट करने के साथ साथ कुछ अन्य सभी बच्चियाँ जिनके बर्थडे मनाई जाती है, कुछ मेरे एहसास इस तरीके। ये बेटियाँ जिस घर में जन्म लेती हैं उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। देश भर की सभी बेटियों के लिए, ये मेरी बेटी है रूमा गांधी है, बताइए रूमा गांधी बताइए, आप बताइए आप कौन हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं, और आपका जन्मदिन है, मम्मी का नाम पापा का नाम बताइए। मेरा नाम रूमा गांधी है, मेरे पापा का नाम है संतोष प्रकाश साहू, मेरी मम्मी का नाम है श्वेता शाह। बाबा का क्या नाम? मेरे बाबा का नाम है प्रभु दयाल। अच्छा ये बताइए कौन आपको क्या क्या कहता है? साथियों ये ज्वाइंट फैमिलीज, दो तीन फैमिलीज हैं, एक ज्वाइंट कल्चर जिंदगी का प्रयास किया। बताइए आप कहाँ कहाँ जाती हैं, किसी क्या जाती हैं? कौन सी बुआ? बड़ी बड़ी बुआ, बड़ी बुआ क्या कौन कौन है और क्या करते हैं? हाँ तीन से बात करते रहे देखिए, और क्या कहते हैं बात करते रहते हैं। साथियों एक दो लाइनें हैं बेटियों के लिए, हजारों रंग हैं इंसानों के जीवन में, हजारों रंग हैं इंसानों के जीवन में, उन रंगों में सबसे खूबसूरत रंग है बेटियाँ। हजारों रंग हैं इंसानों के जीवन में, उन रंगों में सबसे खूबसूरत रंग पानी, सबसे खूबसूरत रंग है बेटियाँ। रिनमा ये बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ती, कहाँ पढ़ती हैं और क्या क्या सीख रही हैं? अच्छा तो ये बताइए अरुणिमा आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? आई एस बनना चाहती हैं। कैसे मालूम है कि आई एस आई एस होता क्या? आई एस एक सबसे बड़ी जॉब होती है। अच्छा चलिए साथियों चलिए, अब बच्चे के अपने उद्गार हैं। और एक देखिए कुछ और दो लाइनें, सिर्फ चिराग ही रोशन नहीं करते घरों को, सिर्फ चिराग ही रोशन नहीं करते घरों को, वास्तव में तो बेटियां ही करती हैं उजाला घरों को, सिर्फ चिराग ही रोशन नहीं करते घरों को, सिर्फ चिराग ही रोशन नहीं करते घरों के, वास्तव में तो बेटियां ही करती हैं उजाला घरों को। ये देश की सभी बेटियों को, नन्ही मुन्नी बेटियों को जो अपना बर्थडे मना रही हैं, अचार मनाती रहती हैं, हमारी बेटी के साथ इन सभी बेटियों के लिए भी शुभकामनाएं, उनकी मम्मी पापा को भी शुभकामनाएं देता हूँ। फिर आगे आता हूँ बारहवीं। अच्छा ये बताइए आपकी मम्मी आपके साथ पढ़ाई में और हर चीज़ों में कितना ध्यान रखती हैं? मम्मी बहुत हेल्प करती है मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प करती हैं। इधर बैठो कि डांस में ड्राइंग करवाने में मुझे बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा आप बैठो इधर आओ जी, अभी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ सब लोग, बार भी इधर आइए, इधर आ सकते इधर आओ।
अच्छा ये बताइए, ये बताइए आपका, अच्छा ये आपका आपका भाई भी है? हाँ। भाई आपके आपको परेशान करता है कि नहीं करता है? वो करता है परेशान, मान करते हैं मुझे, प्यार करता है। क्या चीज परेशान करता है? परेशान करता, तेज बोलिए। क्या क्या परेशान, क्या क्या करता है? कभी अगर मुझे मार देता है। हाँ हाँ, कहाँ है भाई? यहाँ आया हुआ है, बताइए भाई आपको क्या कर रहा है? फोन चला रहा है। नहीं वैसे क्या कर रहा है भाई आपका? वैसे वो मुझे परेशान। नहीं पढ़ाई वढ़ाई करता है कि क्या करता है वो? क्या कर रहा है भाई आपका? PW जाता है, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए बड़ी बुआ है वो आपको क्या कह के बुलाती हैं आपको? छिपकली कह के बता बुलाती हैं। अच्छा अच्छा, बाबा भी तो हैं आपके? बाबा कह के कह के बुलाते हैं, बाबा कह के बुलाती हैं। साथियों यहाँ पर एक जो है छोटा सा प्लेस है, वहाँ पर एक बर्थडे का छोटा सा प्रोग्राम जो है विजय की बर्थडे के रूप में किया जा रहा है। अच्छा अच्छा साथियों, देखिए मेरी बेटी अरुणा गांधी और अरुणमा मेरी म्यूजिक है, मेरी आत्मा है। उसके लिए दो लाइनें हैं। मैंने जीवन का जो सबसे अच्छा संगीत सुना है वह मेरी बेटी की आवाज़ है। मैंने जीवन का जो सबसे अच्छा संगीत सुना है वो मेरी बेटी की आवाज़ है। और एक दो लाइनें इसके माध्यम से बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। बेटियाँ माँ की परछाई और पिता के दिलों की धड़कन होती हैं। बेटियाँ माँ की परछाई, पिता के दिलों की धड़कन। बेटियाँ माँ की परछाई और पिता के दिलों की धड़कन होती हैं। साथियों हमारी बेटी के साथ साथ देश की सभी बेटियों को, जिनका आज जन्मदिन है या पहले हुआ है या होने वाला है, सभी बेटियों को ये कोटेशन जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये दे रहा हूँ।